व्लॉग्स। और आज हमारे साथ फिर से रोशन भाई आ चुके हैं और एक एक टॉपिक के हवाले से हम फिर से बात करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली सीमा हैदर को जो हम एक्सपोज करने बैठे हैं, और पूरी जिंदगी एक्सपोज तो नहीं करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हो सके, जब तक वो पाकिस्तान ना आ जाए। हाँ, पूरी जिंदगी तो वैसे भी नहीं करेंगे जी, क्योंकि इसका फैसला बहुत जल्द आने वाला है। अचानक से जब भी आपने देखा कि सीमा की तरफ से या फिर एपी सिंह की तरफ से ड्रामे किए गए, तब आपने देखा कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो इनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है। जैसा कि लास्ट टाइम जब इन्होंने ड्रामे किए थे तो तब एटीएस की टीम ने 700 चैट्स जो हैं इनकी रिकवर की थी जी। अभी भी यही हो रहा है कि 700 चैट्स रिकवर हो चुकी हैं और बार बार टीम आ रही है, चेक कर रही है, देख रही है इनको, और उसके बावजूद कभी ये ड्रामे कर रहे हैं कि जी आज घर का जो है वो इफ्तिताह हो रहा है, एपी सिंह आ रहे हैं, आके चेक कर रहे हैं, और बस मनोरंजन जिसको कहते हैं बनाए रखा है इन्होंने, तो वो इनका बना हुआ है। और असलियत जो है ये सबसे छुपा रहे हैं। जैसा कि 700 चैट्स वाली बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये उसके ऊपर भी आपने देखा है कि ड्रामे लेके आ रहे हैं बार बार, कभी कौन सा ड्रामा, कभी कौन सा ड्रामा, तो बड़ा अजीब लगता है ये सब कुछ देखने के बाद हमें कि ये हो क्या रहा है। अभी आपने देखा कि घर का इफ्तिताह हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एटीएस की टीम ने, क्योंकि इनके कई राज हैं जो खोले हैं, जैसा कि एक राज ये था कि 700 चैट से क्यों, पहली बात तो आती यही है कि अब जैसे ये मुझसे बात करता है या मैं इससे बात करता हूँ, व्हाट्सएप पे हमारी बात होती है, तो इसी तरह से और भी दोस्त होंगे, लेकिन कुल मिला के हमारे 700 दोस्त हो सकते हैं, सोचने वाली बात है। और एक फीमेल, एक लड़की है, तो वो आगे से शो करा रही है 700 चैट्स, कभी क्या तो कभी क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, 700 चैट्स आ ही नहीं सकती किसी की, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ कुछ बड़ी भी हो सकती है इसमें। जी हाँ जी। तो आप हंस रहे हो, कोई बात आ रही है दिल में सीमा के हवाले से? मैं सोच रही हूँ यार, सीमा में हम इतनी एक्सपोज वीडियोस बना चुके हैं और सीमा को अभी तक शर्म नहीं आई कि वो पाकिस्तान आ जाए, कितनी वो मतलब एक्सपोज हो चुकी है। और एक पाकिस्तानी खातून का जो है मुस्कान के रिएक्शन का चैनल भी वो हो गया, मतलब बैन हो गया, किस वजह से कि सीमा की उन्होंने ऐसी एक्सपोज वीडियो लगा दी थी कि जो देखने के काबिल नहीं थी, जो रिस्ट्रिक्ट 18 ही है। इस तरह की तो उन्होंने ठीक है लगाई, लेकिन उसको बिल्कुल ठीक करके लगाया था, ऐसा नहीं है कि जी वो बिल्कुल ही खराब करके लगा दियो, वो ब्लर कर दिया था और बस कुछ पार्ट्स दिखाए थे कि जिससे आवाम को अंदाजा लग पाए कि ये हो क्या रहा है। जस्ट फेस सीमा का जो है वो हाइड रखा गया था, बाकी सारा ब्लर कर दिया था, और ऐसा भी नहीं है कि जी पूरी वीडियो चला दियो, इस तरह का कुछ नहीं था, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हो क्या रहा है, और इस तरह का कुछ भी नहीं था। तो ये अभी भी यही बात कर रहा था कि यार ये सीमा कैसे कैसे ड्रामे कर रही है और एक्टिंग करती है, मुझे मारा जाता है, फिर इसकी नई एक्टिंग आती है कि ये सब प्यार में चलता है। और इसी तरह से अगर न्यूज़ के ऊपर हैदर और सीमा दोनों लाइव आ जाएं तो इसके ड्रामे ख़त्म नहीं होते कि मुझे तो बड़ा मारा जाता था, पीटा जाता था, और इसकी एक्टिंग की समझ भी नहीं आती कि ये एक्टिंग कर कैसे रहती है। अभी तुम्हारे लिए पॉसिबल है कि इधर बैठ के आंसू निकाल लो? नहीं, नहीं निकाल पाओगे भाई, थप्पड़ भी मार दो फिर भी नहीं निकालोगे कैमरे के सामने, तो ये मुश्किल हो जाता है। आदिल नहीं रहे, आदिल नहीं, सचिन नहीं रहे, सचिन लल्ला नहीं रहा। अच्छा, तो यहाँ पे यही चीजें हो रही हैं भाई, ओवर एक्टिंग हो रही है, वीडियो बन रही है हमारी, तो यहाँ पे यही चीजें कुछ चल रही हैं। और जैसा कि पिछले दिनों, जैसे ये आदिल की बात कर रहे हैं, तो टिकटॉक पे एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, एक औरत को पता चला कि उसके शोहर की डेथ हो गई है, वो ड्रामा था पूरा। हाँ, तो क्या किया उसने, अब मेरे पास मोबाइल सामने कोई पड़ा नहीं है, मेरा वॉलेट पड़ा हुआ है, जैसे उसको पता चला, हाँ कैसे किया था, आदिल नहीं रे। हाँ, तो ये मतलब टिश्यू से मुंह भी साफ कर रही है, एक हाथ से यूं कैमरा यूं रख के और ये टिश्यू पकड़ा हुआ है, रो रही है और कह रही है कि आदिल नहीं रहे। अभी मेरे, हाँ अभी मुझे कॉल आई थी। हाँ, तो इस तरह से करके उसने ये ड्रामा किया था, तो व्यूज भी आए थे, तो हो सकता है। हाँ, यहाँ पे वैसे ये चीज हो सकती है, ये सीमा के माइंड में आई यही बात हो कि आदिल वाली बात इतनी वायरल हुई थी, क्यों ना मैं भी रो के ड्रामे कर लूं, वैसे हो सकता है ऐसा, हो सकता है, क्योंकि जो है उसको शोहरत भी मिल गई, शोहरत मतलब गंदी वाली मिली कि उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, हालांकि इंडिया के लोग भी नहीं सपोर्ट कर रहे, जैसे कि हमारा चांद जी से इंटरव्यू हुआ था, वो तो कह रही थी मैं तो इस शोहरत के हक में बिल्कुल भी नहीं बात करूंगी, ना इसकी सपोर्ट में बात करूंगी। और जो है
मुझे नहीं लगता कि जो है उसकी कोई सपोर्ट है इंडिया में, अगर होगी तो थोड़ी बहुत ही होगी, मगर इंडिया वाले भी उसको सही नहीं समझेंगे, क्योंकि वो पूजा का जो है ना नाम डुबा रही है, जो है पूजा उसको अभी ढंग से करने नहीं आती, तो उसको उस सही तरीके से नहीं करती। इसमें ये बात तो नहीं है कि जी पूजा ढंग से आती नहीं, वो मजाक उड़ा रही है। हाँ जी किसी मजहब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हालांकि हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में ये नहीं है। अब जैसे कोई पूजा कर रहा है और अगर वो उस चीज़ का मजाक उड़ा रहा है, तो हम भी आवाज़ उठाएंगे कि यार ये तुम ठीक नहीं कर रहे। किसी भी मजहब की तोहीन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं मुसलमान हूँ, वो इसी तरह से नमाज की तोहीन कर देते हैं, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तो यही बात है कि हमें अपने आप को भी देखना होता है, हर चीज़ को अपने साथ मैच करके देखना होता है। जैसा कि अब हमने इस चीज़ को भी क्यों क्रिटिसाइज किया था, या जो लोग बात कर रहे थे कि ये अच्छा नहीं है, जैसे कि बात हुई थी सीमा शुद्ध देसी घी है, आगे क्या कहा था, ओ, क्या कहा था आगे पी सिंह ने, याद है? मुझे याद नहीं है, मगर ये मुझे बात याद आ गई अभी। हाँ, शुद्ध देसी घी है, जहां दिल करे लगा दो। हाँ जी भाई, और एपी सिंह कहता है मैं उसका भाई हूँ, गंदा झूठ बोलता है। नहीं भाई तो वो है, लेकिन वो मत भाई झूठ, नाम वाला हाँ एक होता है ना, ना, कि चलो यार इसको मैं भाई कह देता हूँ, ठीक है, ताकि लोग यही समझें अच्छा है भाई, अच्छे ताल्लुकात हैं इनके। तो ये चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, वो भाई बनाया जा रहा है। और अगर कोई नया भाई दरमियान में आता है, तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि ये वाला जी भाई अभी जो दुबई है। वाला आ गया है ना, आपको पिछली वीडियो में जैसे एक्सप्लेन किया दुबई वाले भाई के साथ, अब दुबई वाला कहेगा आप मेरी चूरन चटनी हो, ये अब नहीं कहेगा तो बहन ही कि ये मेरी बहन है, मगर चूरन चटनी है, लेकिन कैमरे के सामने, चूरन चटनी है। कैमरा जैसे ही बंद हुआ बस भाई गए। तो यही हाल इनका होने वाला है यार, ये इतना भी यहाँ पे नहीं हो रहा। अच्छा, तो आने वाले दिनों में हमें ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मैं तो इस चीज़ पे बड़ा हैरत में हूँ कि 700 चैट्स रिकवर होने के बावजूद अभी तक ATS ने इसके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिसको कि हम एक्शन कहें। क्या वजह है इसकी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिससे भी मैं बात करता हूँ, चाहे वो तजिया निगार हों, चाहे वो बड़े बड़े एंकर पर्सन हों, उन सब की तरफ से हमेशा यही कहा जाता है कि यार ये हमारी भी समझ से बाहर है जो अभी जी हो रहा है, जी क्योंकि हालात ही कुछ इस तरह के हैं। और आज आप कह रहे होंगे कि हंसी जा रहा है, हंसी जा रहा है, मैं इस बात से हंस रहा हूँ क्योंकि सीमा का जो पहला भाई था वो एपी सिंह है, अब दूसरा भाई दुबई वाला बन चुका है, तो मैं ना इसलिए मुझे बार बार बहुत ज्यादा हंसी आ रही है कि जो है एपी सिंह का जो दूसरा, एपी सिंह जो है उसके मतलब सीमा ने भाई बनाया है, तो जो है ना एपी सिंह उससे नाराज हो गया, आया ही नहीं, कहता चुप होके बैठ गया, तो भाई भी ऐसा करता है, उसने भाई बनाया जैसे तुमने भाई बनाया था, वो दूसरा भी भाई बनाया, अब इसका मतलब क्या हुआ? बस ये अब इनके मतलब को तो हम नहीं कुछ ले सकते, लेकिन ये सबको ये अंदाज़ा हो चुका है, सबको पता चल चुका है कि ये दरअसल भाई नहीं है, कुछ और ही यहाँ पे चल रहा है। तो आने वाले दिनों में ये, क्योंकि नया भाई जो आया है, ये खुल के सामने आ जाएगा। और उस वक्त एपी सिंह भी अपनी रंग रैलियाँ सही से करके दिखाएगा कि हकीकत क्या थी। और इधर पाकिस्तानी साइड से भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट होगी, तो बहुत कुछ नया आने वाला है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, अभी आएगा, बहुत जी जल्द आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और आज की वीडियो इतनी ही, क्योंकि जो है सीमा को हम एक्सपोज ना अब कर करके थक गए हैं, फिर भी उस औरत बाज नहीं आई, वो औरत है ना, और अब जो है एक्सपोज हम जितना हमसे हो सकेगा वो करेंगे, और रोशन भाई का दूसरा चैनल है और क्या रोशन टीवी के नाम से, उन्होंने उत्तर एक्सपोज किया सीमा को, एक्सपोज करने जा रहे हैं बहुत गंदे तरीके से, और वो सिर्फ चैनल इस मौजू पर बनाया गया है कि सिर्फ एक्सपोज करें, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है, रोशन भाई ने एक स्टेटमेंट दिया है कि बेशक मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।